हेलो दोस्तों, आई स्टडी ऑनलाइन की इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर अपन बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वाला जो अपना पेपर है, पेपर फर्स्ट बॉटनी का, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें जो 3 यूनिट है इस पेपर की उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अपना डिस्कशन हो चुका था। इस वीडियो लेक्चर के अंदर अपन यूनिट 4 जो है इस पेपर की, उस यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वाले पेपर के अंदर जो यूनिट 4 है, उस यूनिट 4 के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यूनिट 4 के अंदर सबसे पहले एक तो है cDNA टेक्नोलॉजी, cDNA टेक्नोलॉजी, cDNA टेक्निक क्या होती है, या फिर cDNA लाइब्रेरी नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, cDNA लाइब्रेरी, तो cDNA टेक्नोलॉजी क्या है या cDNA लाइब्रेरी क्या है, पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है। इसके अलावा सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट इसका पीसीआर, पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होती है, पीसीआर के एप्लीकेशन, पीसीआर एंड एप्लीकेशंस, पीसीआर टेक्निक क्या है और पीसीआर के एप्लीकेशंस यानी कि अनुप्रयोग क्या क्या है, ये अपना सेकेंड क्वेश्चन रहेगा इस यूनिट से। ठीक है, थर्ड जो क्वेश्चन है वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड इट्स एप्लीकेशन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है और इसके एप्लीकेशन या अनुप्रयोग क्या क्या है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो थर्ड अपना पार्ट क्या रहेगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड इट्स एप्लीकेशन और इसके अनुप्रयोग। नंबर 4 जो है लास्ट टॉपिक वो ट्रांसजेनिक प्लांट और इसके अनुप्रयोग, ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट और ट्रांसजेनिक प्लांट्स के अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस क्या है। ठीक है, ये 4 अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं यूनिट 4 से, जिनसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और इन 4ों से कम एक क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर डेफिनेट मिल जाएगा, चाहे वो cDNA टेक्नोलॉजी यानी कि cDNA लाइब्रेरी से रिलेटेड हो, या फिर वो पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस क्या हैं, क्वेश्चन नंबर 3 डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के क्या अनुप्रयोग हैं, और लास्ट में ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होते हैं और ट्रांसजेनिक प्लांट के क्या अनुप्रयोग या क्या उपयोग है, इन सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये 4ों टॉपिक जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिट 4 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब इनमें या तो बड़े वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन जो है वो भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन के हिसाब से हम आपको इनको तैयार करना है, तो अपन इन टॉपिक्स के बारे में क्विक रिविजन स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले अपन ले रहे हैं cDNA टेक्नोलॉजी या cDNA तकनीक के बारे में, cDNA तकनीक क्या होती है या cDNA लाइब्रेरी क्या है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो cDNA का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, cDNA किसको बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या जो पूरक डीएनए होता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या पूरक डीएनए को cDNA कहा जाता है। पूरक किसके, नॉर्मली डीएनए का निर्माण, डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए से ही डीएनए का निर्माण होता है, जिसे अपन डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वायरस डिस्कवर किए गए हैं जिनके अंदर एमआरएनए से भी डीएनए का निर्माण हो सकता है, और उस प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। एमआरएनए से जो डीएनए बनेगा उस डीएनए में बिल्कुल एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनी बेस प्रेजेंट होते हैं, और ऐसे डीएनए को कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या cDNA कहा जाता है। cDNA का निर्माण एमआरएनए से होता है, जैसे मान लीजिए ये एमआरएनए है, मैच्योर एमआरएनए 5 से 3 प्राइम एंड की तरफ, और इस मैच्योर एमआरएनए से, नॉर्मली डीएनए से आरएनए का निर्माण और इस प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, लेकिन यदि एमआरएनए से यदि अपन डीएनए बना लें
तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या प्रतिलोमी अनुलेखन बोलेंगे। यहां पर ये एमआरएनए था, एमआरएनए के एक स्ट्रैंड को टेम्पलेट के रूप में यूज करके, ये एमआरएनए का स्ट्रैंड टेम्पलेट के रूप में यूज करके 5 से 3 प्राइम डायरेक्शन में डीएनए का एक स्ट्रैंड बना लिया। इससे ये डीएनए आरएनए हाइब्रिड बन गया और इस डीएनए आरएनए हाइब्रिड में इस आरएनए का तो आरएनएज एंजाइम के द्वारा डाइजेशन कर दिया जाता है और उसके बाद में एक और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज करके इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड और बना लिया जाता है और इस प्रकार से जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनता है उसे सी डीएनए या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहा जाता है। यहां पर एक विशेष प्रकार का एंजाइम काम में आता है जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। प्रोसेस का नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, प्रतिलोमी अनुलेखन है, तो एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एंजाइम का नाम क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या जिसे प्रतिलोमी ट्रांसक्रिप्टेज भी कहा जाता है, ठीक है। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्चुअल में एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ही है, लेकिन ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आरएनए के ऊपर डिपेंडेंट है, आरएनए के ऊपर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जिसकी डिस्कवरी सबसे पहले टैमिन और बाल्टीमोर ने की थी। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के बारे में अपन पढ़ चुके हैं पहले, है ना। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम किस प्रकार से एक सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का निर्माण करेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, और ये जो डीएनए बनेगा इसे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहा जाता है। और इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की बहुत सारी कॉपी जब तैयार कर ली जाती है तो उसे सी डीएनए लाइब्रेरी कहा जाता है। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? सी डीएनए लाइब्रेरी। एक्चुअल में कॉपीज कैसे तैयार की जाएंगी? सी डीएनए का निर्माण करने के बाद में इस सी डीएनए को किसी वेक्टर या वाहक के साथ जोड़ करके बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफर करके इसकी बहुत सारी कॉपी तैयार कर ली जाती है और ये कॉपी जो है वो सी डीएनए लाइब्रेरी कहलाएंगी। बहुत सारी कॉपी आपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की तैयार कर ली है और इसे आप क्या बोलते हैं? सी डीएनए लाइब्रेरी, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी कहते हैं। आई बात समझ में? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी या सी डीएनए लाइब्रेरी निर्माण के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए? सबसे पहले तो आपको टेम्पलेट के रूप में वो एमआरएनए चाहिए जिससे कि आप कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाएंगे, ठीक है जी। इसके बाद में पॉली टी प्राइमर चाहिए, प्राइमर चाहिए, और प्राइमर भी कौन सा? पॉली टी प्राइमर। अब ये पॉली टी प्राइमर क्या होता है? अपन ने यूकेरियोट्स के अंदर जब ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन की बात करी तो उसमें जो मैच्योर एमआरएनए लास्ट में बनता है उसके 3 प्राइम एंड की तरफ पॉली ए टैल जुड़ी हुई होती है। 3 प्राइम एंड की तरफ क्या जुड़ी हुई होती है? पॉली ए टैल जुड़ी हुई होती है। अब इस 3 प्राइम एंड की तरफ प्राइमर जोड़ने के लिए वो प्राइमर इस पॉली ए टैल के बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, और कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो ए के कॉम्प्लीमेंट्री तो क्या होता है? टी होता है। एडेनिन के कॉम्प्लीमेंट्री तो क्या होता है? थाइमिन ही होगा। तो आपको पॉली टी प्राइमर की आवश्यकता होगी जिसको इस एमआरएनए के 3 प्राइम एंड की तरफ जोड़ा जाता है। यदि प्रोकैरियोट्स के अंदर जैसे मान लीजिए एमआरएनए से आपको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाना है तो प्रोकैरियोट्स के अंदर तो ये पॉलीटेल होती नहीं है 3 प्राइम एंड की तरफ, तो वहां पर क्या किया जाएगा? प्रोकैरियोट्स के अंदर पहले आप 3 प्राइम एंड के ऊपर पॉलीटेल जोड़िए, उसके बाद में इस पॉली टी प्राइमर को यूज कीजिए। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका यह हो सकता है कि 3 प्राइम एंड की तरफ की जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो यदि आपको पता है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का ओलिगोन्यूक्लियोटाइड आरएनए प्राइमर आप सिंथेसिस कर सकते हैं, क्योंकि यूकेरियोट्स के अंदर 3 प्राइम एंड की तरफ पॉलीटेल जुड़ी हुई होती है, प्रोकैरियोट्स के अंदर ऐसा नहीं होता, ठीक है जी। तो इस प्रकार से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए निर्माण के लिए आपको टेम्पलेट के रूप में एमआरएनए चाहिए,
पॉलीटी प्राइमर की आवश्यकता होगी, इसके अलावा स्पेशल टाइप के डीएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता होगी, और वो स्पेशल टाइप के जो डीएनए पॉलीमरेज है वो आरएनए डिपेंडेंट होते हैं, वो आरएनए निर्भर होते हैं, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है, आरएनए के ऊपर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता होती है, जिन्हें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहा जाता है, जिसका नाम क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिस एंजाइम का नाम क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इस एंजाइम का नाम है, जो कि एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ही है जो आरएनए के ऊपर निर्भर करता है। ये चीजें आपको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए निर्माण के लिए चाहिए। इसके अलावा आपको एक ऐसा आरएनए एंजाइम भी चाहिए जो इस आरएनए डीएनए हाइब्रिड के अंदर इस आरएनए स्ट्रैंड का डाइजेशन कर दे, ठीक है, उसके बाद में जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड बनाने के लिए आपको एक नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की भी आवश्यकता होगी, और इस प्रकार से आप एक एमआरएनए से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का निर्माण कर सकते हैं, और उस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को किसी वेक्टर या वाहक से जोड़ करके किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफर करके उसकी कॉपी आप बना सकते हैं, और इस प्रकार से एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की बहुत सारी कॉपी आप तैयार कर लेते हैं, जिसे आप सीडीएनए लाइब्रेरी कहते हैं, जिसे आप क्या कहेंगे, सीडीएनए लाइब्रेरी। आगे बात समझ में, ठीक है, तो इस प्रकार से ये सीडीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर सीडीएनए या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का निर्माण एमआरएनए के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए टेक्नोलॉजी या सीडीएनए लाइब्रेरी बनाने का फायदा क्या है, इसका क्या बेनिफिट है? सबसे पहला बेनिफिट या इसका इंपॉर्टेंस तो यही है कि आपको पता है यूकेरियोट्स के अंदर जो मैच्योर एमआरएनए बनता है उस मैच्योर एमआरएनए के अंदर केवल कोडिंग सीक्वेंस एक्सोन प्रेजेंट होती है, केवल कोडिंग सीक्वेंस एक्सोन प्रेजेंट होती है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस जो इंट्रोन है वो यूकेरियोट्स के एमआरएनए के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो ऑब्वियसली एमआरएनए से जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनेगा उसके अंदर भी नॉन कोडिंग सीक्वेंस या नॉन कोडिंग पार्ट जो है जीन का इंट्रोन वो नहीं होगा, केवल कोडिंग पार्ट एक्सोन ही प्रेजेंट होगा। एक तो ये सीडीएनए टेक्नोलॉजी का बेनिफिट है, फायदा है, ठीक है, कि बनने वाला जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होगा वो बिल्कुल प्रोकैरियोट्स के जैसा होगा, जिसमें केवल और केवल कोडिंग सीक्वेंस एक्सोन प्रेजेंट होगी, नॉन कोडिंग सीक्वेंस इंट्रोन जो है वो उस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के अंदर प्रेजेंट नहीं होगी। ये एक सीडीएनए टेक्नोलॉजी का इंपोर्टेंस या बेनिफिट अपन बता सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सीडीएनए टेक्नोलॉजी जो है वो यदि अपन किसी प्रोक्यूरेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर इस मेथड का यूज करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली जो डीएनए है वो प्रोक्यूरियोट्स के जैसा ही होना चाहिए। अरे किसी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर ही तो अपन सी डीएनए को डाल करके उसकी कॉपी बना रहे हैं, तो जो जीन या डीएनए है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए वो प्रोकैरियोट्स के जैसा ही होना चाहिए, और प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए ऐसा ही होता है जिसमें केवल कोडिंग सीक्वेंस एक्सोन है, इंट्रोन है ही नहीं, ठीक है। तो ये अपन क्या कह सकते हैं सी डीएनए लाइब्रेरी या सी डीएनए टेक्नोलॉजी का एक बेनिफिट होता है, इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। इसके अलावा जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, जो विलुप्त होने वाली स्पीसीज है, जो आने वाले समय में विलुप्त हो सकती है, एक्सटिंक्ट हो सकती है, ऐसी स्पीसीज के जर्म प्लाज्म को आप सीडीएनए लाइब्रेरी के रूप में स्टोर रख सकते हैं, संचित रख सकते हैं, ठीक है। ऐसी स्पीसीज जो एंडेंजर्ड है उसके एमआरएनए से आपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना लिया और उस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की बहुत सारी कॉपी बना करके आपने रख ली, जिसे आप सीडीएनए लाइब्रेरी बोल रहे हैं, तो आने वाले समय में जब वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या वो पर्टिकुलर प्लांट जब एक्सटिंक्ट होगा, एंडेंजर्ड कैटेगरी में तो पहले से ही है, जब एक्सटिंक्ट होगा तो आप उन सीडीएनए लाइब्रेरी के अंदर से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को यूज़ करके उन प्लांट्स का निर्माण फिर से कर सकते हैं। तो ये भी सीडीएनए टेक्नोलॉजी या सीडीएनए लाइब्रेरी का एक इम्पोर्टेंट बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। तो ये अपना पहला क्वेश्चन या पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक इस यूनिट से, वह है सीडीएनए टेक्नोलॉजी।
तो ये सारी चीज़ें आपको यदि CDNA लाइब्रेरी से क्वेश्चन आता है तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है कि CDNA क्या होता है, CDNA का निर्माण कैसे होगा, CDNA लाइब्रेरी कैसे बनती है और CDNA टेक्नोलॉजी या CDNA लाइब्रेरी का क्या इम्पोर्टेंस है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मेंशन करनी है। नेक्स्ट यदि अपन बात करें क्वेश्चन नंबर सेकेंड वो है PCR से रिलेटेड। PCR या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होती है, इसके एप्लीकेशंस या अनुप्रयोग क्या हैं, इसके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है अपना PCR। PCR का फुल फॉर्म पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन या पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया कहा जाता है। PCR एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा बहुत ही कम समय के अंदर आप डिजायर्ड जीन की हजारों की संख्या में कॉपी बना सकते हैं, डिजायर्ड जीन की हजारों की संख्या में कॉपियां आप तैयार कर सकते हैं। यानी कि PCR जीन एम्प्लीफिकेशन, जीन एम्प्लीफिकेशन या जीन आवर्धन की एक तकनीक है। ठीक है, जीन एम्प्लीफिकेशन या जीन आवर्धन की एक ऐसी तकनीक है जिसमें बहुत ही कम समय के अंदर आप जीन की हजारों या लाखों कॉपियां बना सकते हैं। ठीक है, PCR टेक्निक के अंदर एक मशीन यूज होती है जिसे PCR मशीन कहा जाता है। उस मशीन का नाम क्या है, PCR मशीन। और ये PCR मशीन एक ऑटोमेटिक मशीन है जिसके अंदर PCR के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो सारी डाल करके जब उसे ऑन कर दिया जाता है तो बिना किसी ज़्यादा टाइम कंज्यूम किए इस PCR मशीन के द्वारा उस डिजायर्ड जीन की लाखों कॉपियां आप कम समय के अंदर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, PCR टेक्निक के बारे में सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था कैरी मुलिस, जिन्होंने 1984 के अंदर सबसे पहले इस टेक्निक के बारे में बताया था। साइंटिस्ट का नाम था कैरी मुलिस। ठीक है, कैरी मुलिस नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले PCR तकनीक के बारे में बताया था। PCR टेक्निक का जो विकास है वो कैरी मुलिस के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब PCR टेक्निक के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको PCR तकनीक के अंदर, एक जीन का कम समय के अंदर आप एम्प्लीफिकेशन करना चाहते हैं, आवर्धन करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती है उनके अपन बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको वो डिजायर्ड जीन यानी कि वो वांछित जीन जिसकी आप कॉपी करना चाहते हैं, जिसकी आप बहुत सारी कॉपियां बनाना चाहते हैं, उस डिजायर्ड जीन को आपको चाहिए होगा, उस डिजायर्ड जीन की रिक्वायरमेंट आपको होगी। ठीक है, तो डिजायर्ड जीन का सेगमेंट आपको चाहिए जिसकी आपको कॉपी बनानी है। इसके अलावा सेकंड आपको चाहिए प्राइमर, आरएनए प्राइमर। PCR के अंदर, PCR टेक्निक के अंदर लगभग 20 न्यूक्लियोटाइड के, लगभग 20 न्यूक्लियोटाइड के दो आरएनए प्राइमर्स की रिक्वायरमेंट होती है जो कि डिजायर्ड जीन के दोनों 3' एंड की बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस वाले प्राइमर होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई आपका डिजायर्ड जीन है 5 से 3' डायरेक्शन, यहाँ 3 से 5' डायरेक्शन, और इस डिजायर्ड जीन की आप बहुत सारी कॉपियां बनाना चाहते हैं, इस डिजायर्ड जीन को आप एम्प्लीफाई करना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में एक तो ये 3' एंड है, इसके जो न्यूक्लियोटाइड इसके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए चाहिए, और एक ये वाला जो 3' एंड है इसके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए प्राइमर की आपको आवश्यकता होगी, क्योंकि सबसे पहले आरएनए प्राइमर जुड़ेंगे उसके बाद में ही डीएनए पॉलीमरेज आरएनए प्राइमर के 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा, तभी तो डीएनए बनेगा। तो दूसरी रिक्वायरमेंट क्या होगी, आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर भी आपको दो चाहिए होंगे जो कि डिजायर्ड जीन के 3' एंड की लगभग 20 न्यूक्लियोटाइड के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस वाले आरएनए प्राइमर होंगे जिनकी नंबर होगी 2। ठीक है, इसके अलावा आरएनए प्राइमर के अलावा क्या चाहिए होगा, आरएनए प्राइमर के अलावा स्पेसिफिक
एंजाइम डीएनए पोलीमरेज यहाँ पर रिक्वायर होता है, एक स्पेशल डीएनए पोलीमरेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है, और उस स्पेशल डीएनए पोलीमरेज एंजाइम का नाम है टैग डीएनए पोलीमरेज। क्या नाम है? टैग डीएनए पोलीमरेज। ये जो टैग डीएनए पोलीमरेज है इसे बोलते हैं थर्मस एक्वेटिकस। टैग नाम आया थर्मस एक्वेटिकस के लिए। एक्चुअल में ये जो टैग डीएनए पोलीमरेज है वो एक बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया है जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। ठीक है, जिसका नाम क्या है? थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस नामक बैक्टीरिया से ये टैग डीएनए पोलीमरेज आइसोलेट किया गया है, और इस टैग डीएनए पोलीमरेज की एक विशेषता है कि यह हीट स्टेबल होता है। ये क्या होता है? हीट स्टेबल होता है, यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर पे भी ये डीनेचर नहीं होता, ये सर्वाइव कर सकता है, और ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर भी डीएनए का निर्माण ये कर सकता है। ऐसा स्पेशल टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम पीसीआर टेक्निक के अंदर रिक्वायर होता है। ठीक है, तो मैनली यदि अपन देखें तो पीसीआर टेक्निक के अंदर अपन को ये तीन चीज़ें चाहिए। कोई डिजायर्ड जीन जिसको आप एम्पलीफाई करना चाहते हैं, इसके अलावा दो आरएनए प्राइमर, और इसके अलावा स्पेशल टाइप का टैग डीएनए पॉलीमरेज आपको चाहिए। ठीक है, अब पीसीआर टेक्निक में क्या करते हैं? इन सब के अलावा एक पीसीआर की मशीन भी आपको चाहिए होगी, जो एक ऑटोमेटिक मशीन होती है। इस पीसीआर मशीन के अंदर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज तो अपन भूल गए, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफोस्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसिन ट्राइफोस्फेट, अरे ये न्यूक्लियोटाइड तो चाहिए होंगे ना। ये जो टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो इन आरएनए प्राइमर के ऊपर न्यूक्लियोटाइड ही तो जोड़ेगा, न्यूक्लियोटाइड जोड़कर ही तो डीएनए का निर्माण करेगा, तो न्यूक्लियोटाइड्स की रिक्वायरमेंट भी होगी। न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफोस्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसिन ट्राइफोस्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन ट्राइफोस्फेट, इसके अलावा डीऑक्सी थायमिडीन ट्राइफोस्फेट, ये चार अलग अलग प्रकार के ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड्स जो है उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये चार चीज़ें आपको चाहिए, डिजायर्ड जीन, आरएनए प्राइमर, टैग डीएनए पॉलीमरेज, और ये स्पेशल टाइप के ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड्स जिनको ये टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इन प्राइमर के 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर जोड़ता चला जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं पीसीआर के अंदर होता क्या है, पीसीआर का प्रोसीजर क्या है। ये तो पीसीआर के बारे में सामान्य सी जानकारी है, अब अपन पीसीआर की प्रोसीजर या इसकी क्रिया विधि के बारे में बात करते हैं, और पीसीआर की प्रोसीजर के बाद में इसके क्या एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में भी अपन बात करेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका डिजायर्ड जीन है 5 से 3' एंड है, और ये 3 से 5' एंड है। इस डिजायर्ड जीन की आपको कॉपी बनानी है, इस जीन का आपको एम्पलीफिकेशन करना है, तो इसके लिए टोटल तीन स्टेप होती है। सबसे पहली स्टेप है डीनेचुरेशन। सबसे पहली स्टेप कौन सी है? डीनेचुरेशन या विकृतीकरण जिसे बोलते हैं। ठीक है, सेकंड जो स्टेप है वो है एनीलिंग। सेकंड स्टेप है एनीलिंग, ठीक है, और थर्ड स्टेप है डीएनए सिंथेसिस। डीएनए सिंथेसिस या इसे एक्सटेंशन भी कहा जा सकता है, या इसे क्या कहा जा सकता है? एक्सटेंशन या प्रसार। पहली स्टेप है विकृतीकरण, दूसरी स्टेप है एनीलिंग, और तीसरी स्टेप है डीएनए का निर्माण या प्रसार जिसे अपन बोलते हैं। पहली स्टेप में क्या होगा, ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए डिजायर्ड जीन की फॉर्म में आपके पास प्रेजेंट है, इसमें आपको पता है दोनों जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ी हुई होती है। तो पहली स्टेप में क्या करते हैं, डीनेचुरेशन के अंदर इस डीएनए को लगभग 90 से 95 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसको हीट देते हैं, गर्म करते हैं। जैसे ही इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को गर्म करेंगे इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर, तो बीच में से हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, यानी कि
इस प्रकार से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का निर्माण हो जाएगा। पहले तो ये डीएनए आपस में इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ था, अब जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का निर्माण हो चुका है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप के समय डीएनए में डीनेचुरेशन हो चुका है। आफ्टर डीनेचुरेशन सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप के अंदर जो अपन ने बताए थे आरएनए प्राइमर, जो कि इस डिजायर्ड जीन के 3' एंड के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस वाले होते हैं, जिनकी लेंथ अप्रोक्सीमेट 20 न्यूक्लियोटाइड है, उन आरएनए प्राइमर्स को जोड़ दिया जाता है और यहां पर टेम्परेचर जो है वो थोड़ा कम किया जाता है। पहली स्टेप के अंदर 90 से 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, उसके बाद में 40 से लगभग 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी कि ठंडा करते हैं इसको, टेम्परेचर कम करते हैं, तो जो आरएनए प्राइमर आपने डाले थे वो आरएनए प्राइमर 3' एंड के ऊपर जाकर के अपनी कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से जुड़ जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ का प्राइमर है, ये जुड़ गया 5 से 3' एंड, यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए प्राइमर जुड़ गया 5 से 3' एंड की तरफ। ठीक है जी, तो इस स्टेप को अपन क्या बोलते हैं, एनिलिंग। एनिलिंग के बाद में थर्ड जो इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसका नाम है डीएनए सिंथेसिस या एक्सटेंशन, इसके अंदर क्या करेंगे, स्पेशल टाइप का जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम था, टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, उस टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को यूज करेंगे और ये टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स है उनको इन आरएनए प्राइमर के 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर जोड़ता चला जाएगा और डीएनए का निर्माण कर देगा, यानी कि एक्सटेंशन हो जाएगा इन स्ट्रैंड्स का। ठीक है जी, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये लीजिए यहां पर ये आपका बन गया है, यहां पर एक जो आपका दूसरा जीन है वो इस प्रकार से बन गया। ठीक है, ये है 5 से 3', ये है 5 से 3', यहाँ पर ये 5 से 3' और यहाँ पर ये 3 से 5'। ठीक है जी, इस प्रकार से आपके डिजायर्ड जीन की 2 कॉपी आपको प्राप्त हो चुकी। बाद में इन आरएनए प्राइमर्स को लास्ट में हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, ये डीएनए रेप्लिकेशन में अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एक स्टेप जो है, एक चक्र जो है पीसीआर टेक्निक का, वो कंप्लीट हो चुका है और इस एक स्टेप के अंदर अप्रोक्सीमेट 2 से 3 मिनट का समय लगता है। तो 2 से 3 मिनट के अंदर आपने एक जीन की 2 कॉपी बना ली है। उसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेप या नेक्स्ट जो साइकिल होगा पीसीआर का, उसमें इस एक से 2 बनेंगे और इससे भी 2 बनेंगे, तो टोटल कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे, फिर 4 से 8, 8 से 16। इस तरीके से हर साइकिल के अंदर डिजायर्ड जीन की 2 कॉपी बनती जाएगी और लास्ट में अपन देखेंगे कुछ ही समय के अंदर डिजायर्ड जीन की हजारों या लाखों कॉपियां आपके पास प्राप्त हो जाएंगी। तो ये तो एक साइकिल या एक चक्र कंप्लीट होता है जो 3 स्टेप या 3 चरणों के अंदर पूरा होगा, डीनेचुरेशन या विकृतीकरण, दूसरा है एनिलिंग और तीसरा है डीएनए सिंथेसिस या एक्सटेंशन जिसे प्रसार कहा जाता है। तीनों में अलग अलग टेम्परेचर है। टैग डीएनए पॉलीमरेज जो है वो अप्रोक्सीमेट 75 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। तो पहली स्टेप के अंदर टेम्परेचर है 90 से 95 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद में टेम्परेचर को आपने कूल डाउन कर दिया 40 से 45 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद में टेम्परेचर आपने वापस से बढ़ा दिया जो 75 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। और इस प्रकार से इन 3 स्टेप के द्वारा एक पीसीआर का साइकिल कंप्लीट होता है। ऐसे बहुत सारे पीसीआर के साइकिल चलते हैं जिनसे बहुत ही कम समय में आपके डिजायर्ड जीन या वांछित जीन की हजारों कॉपियां प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, ये है पीसीआर टेक्निक और उसका प्रोसीजर। अब पीसीआर टेक्निक के एप्लीकेशंस या अनुप्रयोग क्या क्या हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, पीसीआर टेक्निक के एप्लीकेशंस या इसके अनुप्रयोग, सबसे पहला एप्लीकेशन तो अपन ये बता सकते हैं कि कम समय के अंदर वांछित जीन की हजारों कॉपियां आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला एप्लीकेशन या पहला यूज तो इसका ये हो गया। ठीक है, दूसरा यूज इसका ये है कि पीसीआर टेक्निक के द्वारा
यदि कोई पैथोजन, कोई भी बैक्टीरिया है, कोई भी वायरस वगैरह है, वो यदि अपनी बहुत ही कम मात्रा के अंदर है, बहुत ही कम अमाउंट के अंदर भी यदि वो पैथोजन है, वो रोगजनक है, तो ऐसी परिस्थिति में भी आप उस रोगजनक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी कि डिजीज डायग्नोसिस के अंदर, किसी रोग के निदान के अंदर पीसीआर टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया वायरस ऐसे हैं जो हमारी बॉडी को इन्फेक्ट कर देते हैं, लेकिन उनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन पीसीआर टेक्निक के द्वारा यदि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यदि वो सूक्ष्म जीव बहुत ही कम मात्रा में भी है, तो भी आप उसका डिटेक्शन कर सकते हैं। ये इसका दूसरा एप्लीकेशन बता सकते हैं। तीसरा, बहुत सारी जेनेटिक डिजीज ऐसी हैं, बहुत सारे आनुवंशिक रोग ऐसे हैं जैसे सिकल सेल एनीमिया के अलावा फिनाइल कीटोन यूरिया, सिकल सेल एनीमिया और फिनाइल कीटोन यूरिया जैसे जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, आनुवंशिक जो रोग हैं, उनके डायग्नोसिस के लिए भी पीसीआर टेक्निक को यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा पीसीआर टेक्निक को फॉरेंसिक साइंस के अंदर भी यूज किया जाता है। फॉरेंसिक साइंस के अंदर भी पीसीआर टेक्निक का यूज होता है। इसके अलावा यदि अपन बात करें, आजकल जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक, उस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक के अंदर भी पीसीआर टेक्निक का या पीसीआर तकनीक का इस्तेमाल होने लगा है। ठीक है जी, इसके अलावा डीएनए सीक्वेंसिंग के अंदर कम समय के अंदर डीएनए में कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स का क्या सीक्वेंस या क्या क्रम है, ये क्रम भी आप आसानी से इस पीसीआर टेक्निक द्वारा पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब पीसीआर टेक्निक के एप्लीकेशंस या अनुप्रयोग है जिनके बारे में अपन ने यहाँ पर डिटेल से बात करी है। ठीक है, इसके अलावा पेडिग्री एनालिसिस, कोई म्यूटेशन वगैरह हुआ है, म्यूटेशन से कोई डिजीज हुई है, ठीक है, या वंशावली विश्लेषण के अंदर, इन सब के अंदर भी पीसीआर तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सारे एप्लीकेशंस यहाँ पर आपको इनके अंदर मेंशन कर देने हैं। ठीक है, तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है, जिसका नाम है पीसीआर एंड इट्स एप्लीकेशन। पीसीआर क्या है, इसके अनुप्रयोग क्या है, पीसीआर का प्रोसीजर क्या है, ये सब अपन ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना यहाँ पर है वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। थर्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो किसका है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या यूज किया जा सकता है, इन सब के बारे में अपन बात करते हैं। तो यूनिट 4 के अंदर जो थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना है वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से रिलेटेड। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से रिलेटेड है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, इसके क्या एप्लीकेशंस है, इनके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति की पहचान करी जा सकती है। किसी व्यक्ति की पहचान या आइडेंटिफिकेशन के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक जनरली यूज होती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक के बारे में या इसको इंट्रोड्यूस करवाने का जो श्रेय है वो एक साइंटिस्ट है, इंग्लैंड के अंदर इन्होंने ये सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक इजाद की थी, जिनका नाम है सर एलेक जेफरीज। सर एलेक जेफरीज, ठीक है, सर एलेक जेफरीज ने सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का विकास किया था, लगभग 1985 के आसपास। ठीक है, एक्चुअल में एलेक जेफरीज ने अपने साथी जो वैज्ञानिक है उनके परिवार वालों का जो डीएनए है उसको आइसोलेट करके, उस डीएनए की सीक्वेंसिंग करके, उनमें उन्होंने कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन पाई
जिसमें एलेक्स जेफ्रीज ने सोचा कि इस इन्फॉर्मेशन का उपयोग अपन मानव कल्याण के लिए कर सकते हैं, और उसी के बाद में एलेक्स जेफ्रीज ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का विकास किया था। ठीक है जी, अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक का बेसिस क्या है, इसका क्या आधार है, इसका प्रिंसिपल क्या है? देखिए, किसी भी दो व्यक्तियों का जो डीएनए है वो 100% सिमिलर नहीं होता, उसमें न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस 100% सिमिलर नहीं है, लेकिन ये भी कंफर्म है कि 99.99% जो डीएनए है वो सेम होता है। 99.99% डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस हर व्यक्ति के अंदर सेम होती है, जो डिफरेंस होता है वो केवल 0.01% जो डीएनए है उसी के अंदर डिफरेंस होता है, बाकी ये सारा जो डीएनए है वो रिपीटेड डीएनए होता है, और इस 0.01% डीएनए के आधार पर ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करी जाती है। ठीक है, और इस 0.01% डीएनए के अंदर भी कुछ रिपीटेड सीक्वेंस होती है जिनको वीएनटीआर सीक्वेंस कहा जाता है, वीएनटीआर, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। इस 0.01% के अंदर भी अलग अलग प्रकार की रिपीटेड सीक्वेंस है, जैसे कोई एक व्यक्ति है उसके अंदर मान लीजिए 80 80 80, ये सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रही है, और इस सीक्वेंस के भी अलग अलग नंबर के अंदर रिपीटेशन हो रहा है, जैसे एक व्यक्ति के अंदर 80 सीक्वेंस मान लीजिए 20 बार रिपीट हो रही है, तो दूसरे व्यक्ति के अंदर वही 80 सीक्वेंस 20 बार रिपीट नहीं होगी, या तो वो 21 बार रिपीट होगी या 22 बार रिपीट होगी या इससे कम बार रिपीट हो सकती है। आई बात समझ में? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रिंसिपल ये है कि 99.99% लोगों के अंदर डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस सेम है, जो 0.01% लोग हैं उनमें डीएनए सीक्वेंस डिफरेंट होती है, जिसे वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट कहा जाता है। ठीक है, जैसे 80 80 80 सीक्वेंस बार बार रिपीट हो सकती है, जैसे GATC ये सीक्वेंस जैसे मान लीजिए बार बार रिपीट हो रही है, तो इसे अपन वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट बोलेंगे, और इस वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट के आधार पर ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करी जाती है। आई बात समझो? अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए आप सैंपल के रूप में क्या यूज कर सकते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए सैंपल के रूप में एक तो कोई भी व्यक्ति जो है उसका ब्लड सैंपल यूज किया जा सकता है, उसकी बोन या हड्डी का कोई पार्ट, उसका बाल हेयर जो कहीं पर गिर गया है उसको यूज किया जा सकता है डीएनए सैंपल के रूप में, सीमन जो है वीर्य उसको भी यूज किया जा सकता है, ये सारे सैंपल्स आप यूज कर सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए। ठीक है, अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रोसीजर क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसीजर या क्रियाविधि क्या है? तो सबसे पहले तो क्या होगा, जो डीएनए है उस डीएनए का आपको आइसोलेशन या ये कह सकते हैं डीएनए का पृथक्करण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डीएनए का पृथक्करण यानी कि डीएनए को प्राप्त करना, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। यहां पर अपन एक एक करके उन स्टेप्स की बात करते हैं। सबसे पहली जो अपनी स्टेप है वह है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को प्राप्त करना। ठीक है, आप जिस डीएनए की या जिस व्यक्ति में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक यूज करना चाहते हैं उस व्यक्ति का डीएनए सैंपल आपने लिया। सैंपल के रूप में जैसा कि मैंने बताया ब्लड सैंपल ले सकते हैं, कोई हेयर फॉलिकल सेल्स आप ले सकते हैं, इसके अलावा आप सीमन वाला पार्ट ले सकते हैं, या फिर कोई और स्किन का डैमेज पार्ट जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट हो सकता है, ऐसे पार्ट को आप सैंपल के रूप में यूज कर सकते हैं, और उस सैंपल से बहुत ही कम मात्रा के अंदर आपको डीएनए को आइसोलेट कर लेना है, डीएनए को प्राप्त कर लेना है। ठीक है, तो स्टेप के अंदर या प्रोसीजर के अंदर पहली स्टेप क्या हो गई, डीएनए को प्राप्त करना। सेकेंड स्टेप है कटिंग एंड, यानी कि डीएनए को आपको अलग अलग प्रकार के एंजाइम से कट करना पड़ेगा और उसको सॉर्ट करना पड़ेगा, तो कटिंग ऑफ या कटिंग एंड सॉर्टिंग ऑफ डीएनए।
स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स के द्वारा डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में आप कट कर लेंगे। इसके लिए आप अलग अलग प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक इक्वार फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिनको आप यूज कर सकते हैं डीएनए को कट करने के लिए। ठीक है, तो डीएनए को कट करने के बाद में थर्ड स्टेप में आप डीएनए का सेपरेशन करेंगे या पृथक्करण करेंगे। थर्ड स्टेप क्या होगी? डीएनए सेपरेशन, यानी कि डीएनए का पृथक्करण। डीएनए का पृथक्करण करने के लिए जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस मेथड यूज किया जाता है। जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस के द्वारा आपको डीएनए को आइसोलेट करना है, पृथक्करण करना है। जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस टेक्निक में डीएनए को उसके मॉलिक्यूलर वेट और उसके ऊपर प्रेजेंट चार्ज के आधार पर आइसोलेट किया जाता है। एक्चुअल में जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस में एक जेल यूज किया जाता है और उस जेल का नाम होता है एगारोज जेल। जैसे इस एपरेटस में आपने एगारोज जेल भर रखी है। ये एगारोज जेल एक रेड एल्गी जिलेडियम ग्रेसिलेरिया से प्राप्त होती है और ये आपने इस एपरेटस के अंदर भर रखी है। ठीक है, इसके अलावा इस एपरेटस के अंदर इस प्रकार से अलग अलग वेल बनी हुई है, अलग अलग कूप बनी हुई है। इन वेल के अंदर आप डीएनए सेगमेंट्स को डाल देते हैं और एक तरफ वेल्स के जस्ट अपोजिट साइड में आपने यहां पर पॉजिटिव चार्ज लगा रखा है, पॉजिटिव चार्ज युक्त एनोड यहां पर आपने लगा रखा है। अब डीएनए के ऊपर आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज जो डीएनए है वो इस एगारो जेल से होते हुए इस पॉजिटिव चार्ज एनोड की तरफ मूवमेंट करेगा और इनमें भी जो सबसे कम मॉलिकुलर वेट यानी कि सबसे छोटा जो डीएनए का सेगमेंट है वो सबसे पहले एनोड की तरफ आएगा। इस प्रकार से अपन बता रहे हैं, मान लीजिए ये जो डीएनए का सेगमेंट है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसका मॉलिकुलर वेट सबसे कम है, तो ये एनोड की तरफ सबसे जल्दी मूवमेंट करके आएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये है डीएनए सेपरेशन या डीएनए पृथक्करण जो जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस टेक्निक के द्वारा यूज किया जाता है। ठीक है, ये आपको डिटेल में मेंशन करना है। डीएनए सेपरेशन के बाद में नेक्स्ट स्टेप है ट्रांसफर ऑफ आइसोलेटेड डीएनए टू नायलोन सीट। ये जो पृथक्करण डीएनए के टुकड़े हैं इनको नायलोन सीट के ऊपर ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर फोर स्टेप क्या है? ट्रांसफर ऑफ आइसोलेटेड डीएनए सेगमेंट्स, आइसोलेटेड डीएनए टू नायलोन सीट। ये जो आइसोलेटेड डीएनए के टुकड़े हैं, पृथक्करण जो डीएनए के टुकड़े हैं, इनको एगारोज जेल से आपको नायलोन की सीट के ऊपर ट्रांसफर करने हैं। इसके लिए करना क्या होगा? जो नायलोन की सीट है उसको एगारोज जेल से चिपका देते हैं। लगभग 10 या 12 घंटे बाद में आप देखते हैं कि सारे के सारे जो डीएनए के सेगमेंट, डीएनए के जो टुकड़े थे वो एगारोज जेल से नायलोन की सीट के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं। नायलोन की सीट के ऊपर ट्रांसफर होने के बाद में आप वहां पर नेक्स्ट स्टेप करेंगे और उस स्टेप का नाम है प्रोबिंग। उस स्टेप का नाम क्या है? प्रोबिंग। प्रोबिंग स्टेप के अंदर आप 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड की ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस प्रोब के रूप में यूज करते हैं जो कि जो डीएनए सेगमेंट्स बने हैं उसकी बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। जो डीएनए सेगमेंट्स नायलोन सीट के ऊपर आपके पास प्राप्त हुए हैं उनके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस वाले प्रोब आप बना लेते हैं और उन प्रोब को उन नायलोन सीट के ऊपर प्रेजेंट डीएनए सेगमेंट से जोड़ने के लिए फ्री छोड़ देते हैं। तो उन डीएनए सेगमेंट्स के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस वाले प्रोब उन सेगमेंट से जाकर के जुड़ जाते हैं। ठीक है, और जुड़ने के बाद में आप लास्ट में अलग अलग केमिकल्स यूज करके आसानी से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं कि कौन सा डीएनए का सेगमेंट किस से मैच हुआ है। तो लास्ट स्टेप में आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर लेंगे। लेकिन आजकल इस मेथड की बजाय पीसीआर टेक्निक का यूज भी लास्ट में किया जाता है।
ठीक है। तो इन 5 या 6 चरणों के अंदर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करी जाती है। सबसे पहले डीएनए सैंपल को लेकर के उसको आपको आइसोलेट करना है, उसके बाद में डीएनए को कट करना है और डीएनए का आइसोलेशन, उसके बाद में डीएनए का आइसोलेशन आपने जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस से करने के बाद में एगारोस जेल के ऊपर जो डीएनए के सेगमेंट्स हैं उनको आपको नायलोन सीट के ऊपर ट्रांसफर करना है, और नायलोन सीट के ऊपर ट्रांसफर करने के बाद में आपको प्रोबिंग और लास्ट में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक यूज करी जाती है। अब इसके क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या अनुप्रयोग है, उसके बारे में अपन बात करें। ये अपन ने बिल्कुल शॉर्ट वे के अंदर इसको पढ़ा है, ठीक है। आपको वहां पर यदि क्वेश्चन पूरा बड़ा क्वेश्चन आता है तो डिटेल में ये सारी चीजें वहां पर आपको मेंशन करनी है, ठीक है। तो ये अपना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसीजर है, और लास्ट में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के एप्लीकेशंस क्या है, इसके अनुप्रयोग क्या है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के एप्लीकेशंस या अनुप्रयोग, ठीक है। सबसे पहला इसका एप्लीकेशन या अनुप्रयोग तो अपन यही बता सकते हैं कि कोई जो क्रिमिनल है उस क्रिमिनल को आप इससे आसानी से पहचान सकते हैं, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। किसी क्राइम करने वाले, कोई चोर वगैरह है या कोई मर्डरर है, उसको आप आसानी से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक से पहचान सकते हैं। इसमें क्राइम साइट के ऊपर जो भी डीएनए सैंपल आपको मिला, चाहे वो ब्लड के रूप में मिला, चाहे आपको वो हेयर फॉलिकल सेल्स के रूप में मिला या स्किन की सेल्स के रूप में मिला, उस सैंपल की आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर ली, और जो भी सस्पेक्ट होगा उस सस्पेक्ट, ये आपको लगा कि ये 4 मर्डर कर सकते हैं, तो उन 4 के डीएनए सैंपल की आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर ली, और उसके बाद में जो क्राइम साइट है वहां पर मिलने वाले जो आपका डीएनए सेगमेंट है या डीएनए का जो आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करी है उससे आप उन 4 सैंपल को मैच कर लेते हैं, जिससे मैच हो जाता है वही एक्चुअल में वो मर्डरर, या ये कह सकते हैं कि वही एक्चुअल में वो क्रिमिनल होता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा आप क्रिमिनल की पहचान कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सही माता पिता की पहचान में भी इस तकनीक का यूज होता है, सही माता पिता की पहचान के अंदर भी, ठीक है। कोई एक बच्चा है, उस बच्चे के एक्चुअल में जेनेटिक पेरेंट्स कौन है, आनुवांशिक माता और पिता उनके कौन है, इसको भी आप आसानी से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द्वारा पहचान सकते हैं। ये भी आप आसानी से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द्वारा बता सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये भी बता सकते हैं कि फसलों में जो अलग अलग प्रकार की पैटेंट किए जाते हैं उन पैटेंट के अंदर भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक के द्वारा आप किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो स्ट्रेन है, जैसे बैक्टीरिया के अलग अलग स्ट्रेन या प्रभेद होते हैं, तो उन स्ट्रेन या प्रभेदों की पहचान भी आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा डीएनए सिक्वेंसिंग के अंदर या जेनेटिक काउंसलिंग के अंदर, डीएनए सीक्वेंसिंग के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं, या अपन नंबर 5 बता सकते हैं, जेनेटिक काउंसलिंग के अंदर, जेनेटिक काउंसलिंग के अंदर भी इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 5 या 6 जितने भी एप्लीकेशन या अनुप्रयोग है वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देने, ठीक है। तो ये अपना थर्ड क्वेश्चन इस यूनिट से, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और उसके एप्लीकेशंस। लास्ट जो नंबर 4 क्वेश्चन है वो है ट्रांसजेनिक प्लांट और उसके एप्लीकेशंस या उसके अनुप्रयोग। इससे भी कई बार एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ट्रांसजेनिक प्लांट्स के ऊपर या तो शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन आ सकता है, तो ट्रांसजेनिक प्लांट कैसे बनते हैं, क्या होते हैं और इनके एप्लीकेशंस या अनुप्रयोग क्या है, वो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा इस यूनिट से, नंबर 4। ट्रांसजेनिक प्लांट्स,
देखिए ट्रांसजेनिक प्लांट्स को जनरली, ट्रांसजेनिक प्लांट है क्या, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर यदि अपन कोई डिजायर्ड जीन जो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं है वो अपन ने ट्रांसफर कर दिया जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, तो उसके बाद में उस ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहा जाएगा। यदि वो प्लांट है तो उसे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट या जीएम प्लांट्स या फिर ट्रांसजेनिक प्लांट कहा जाता है। कोई भी प्लांट जिनके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक के द्वारा आपने डिजायर्ड जीन ट्रांसफर कर दिया है, ऐसे प्लांट को ट्रांसजेनिक प्लांट कहेंगे। ठीक है, ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने का जो आइडिया है वो सबसे पहले एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस बैक्टीरिया या जीवाणु है, ये क्या करता है, जो डाइकोट्स प्लांट है, जो द्विबीजपत्री पादप है, उन द्विबीजपत्री पादपों की जड़ों में अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करके द्विबीजपत्री पादपों के अंदर एक डिजीज कोज करता है जिसे क्राउन गॉल डिजीज कहा जाता है। जिस डिजीज को क्या कहा जाता है, क्राउन गॉल डिजीज। इस क्राउन गॉल डिजीज के अंदर क्या होता है, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस जैसे ही अपना जेनेटिक मटेरियल डाइकोट प्लांट की रूट में ट्रांसफर करता है तो रूट के अंदर गांठे बनना शुरू हो जाती है और इस डिजीज को क्राउन गॉल डिजीज कहा जाता है। ठीक है, अब इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस की जैसे ही डिस्कवरी हुई तो उसके बाद में वैज्ञानिकों ने सोचा कि किसी एक बैक्टीरिया का डीएनए यदि प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफर हो रहा है तो अपन किसी बैक्टीरियल सेल से या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिजायर्ड जो जीन है या जो डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट है उसको भी अपन प्लांट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। और इस बैक्टीरिया की डिस्कवरी के बाद में ही ट्रांसजेनिक प्लांट्स का फॉर्मेशन शुरू हुआ था। सबसे पहले जो ट्रांसजेनिक प्लांट बना था वो टोबेको जो है, तंबाकू, उसके अंदर बना था, या टोबेको का ट्रांसजेनिक प्लांट सबसे पहले बना था। उसके बाद में जैसे फ्लेवर सेवर टोमेटो है, बीटी कॉटन है, ये सारे ट्रांसजेनिक प्लांट भी बने। इसी प्रकार से ट्रांसजेनिक एनिमल जैसे डॉली भेड़ की अपन बात करते हैं, बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल भी बने। जो गोल्डन राइस है, सुनहरा चावल जो कि विटामिन ए रिच होता है, ऐसे ट्रांसजेनिक प्लांट्स का फॉर्मेशन बाद में हुआ इसी टेक्निक के द्वारा। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या है, किसी भी प्लांट के अंदर जो उस प्लांट का जीन नहीं है उस जीन को आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा ट्रांसफर कर दिया तो उस प्लांट को आप ट्रांसजेनिक प्लांट बोलेंगे। आई बात समझ में? अब ये जो ट्रांसजेनिक प्लांट है इनके एप्लीकेशंस क्या है, कैसे बनते हैं? ये तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनेंगे। सबसे पहले तो आपने डिजायर्ड जीन को आइसोलेट कर लिया, फिर डिजायर्ड जीन को किसी वेक्टर में जोड़ दिया, वेक्टर में जोड़ने के बाद में आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आप होस्ट प्लांट के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं और इस प्रकार से जो होस्ट प्लांट है वो ट्रांसजेनिक प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। आगे बात समझ में? ठीक है, अब इसके एप्लीकेशंस या अनुप्रयोग क्या है, ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इसके बारे में तो अपन ने बात कर ली। अब अपन इसके एप्लीकेशंस या अनुप्रयोगों के बारे में बात करते हैं। एप्लीकेशंस या इसके अनुप्रयोग क्या है, सबसे पहला एप्लीकेशन अपन बता रहे हैं हर्बिसाइड रेजिस्टेंस प्लांट्स का प्रोडक्शन। सबसे पहला क्या है, शाकनाशी प्रतिरोधी पादप। हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट्स आप खेतों के अंदर खरपतवार या वीड्स को नष्ट करने के लिए आप वहां पर हर्बिसाइड्स का यूज करते हैं, खरपतवार नाशी या शाकनाशी केमिकल्स का वहां पर आप सिक्रेशन करते हैं। अब वो शाकनाशी या हर्बिसाइड जो है
वो आपकी फसल को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अब यदि ऐसे प्लांट्स या ऐसी फसल का निर्माण कर लिया जाए जो कि शाकनाशी या ये जो आपके हर्बिसाइड्स है इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंट है, तो आपकी जो फसल है वो तो बची रह जाएगी, और जो शाकनाशी या खरपतवार उस खेत के अंदर उगा हुआ है उसको आप हर्बिसाइड्स केमिकल के द्वारा नष्ट कर देंगे। ऐसे हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट्स का प्रोडक्शन ट्रांसजेनिक प्लांट्स के द्वारा ही किया जा सकता है, या इस मेथड के द्वारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा आप हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड है इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट, कीट प्रतिरोधी जो पादप है उनका निर्माण भी आप ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने वाली विधि के द्वारा कर सकते हैं, जो कि अलग अलग प्रकार के इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंट है। जैसे बीटी कोटन का नाम आपने सुना होगा, बीटी कोटन बेसिलस थुरिंजेंसिस बैक्टीरिया के ऐसे क्राइजीन कॉटन के अंदर ट्रांसफर किए गए जो कि अलग अलग प्रकार के कीटों के प्रति प्रतिरोधी थे, यानी कि इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स, जिसका एक एग्जाम्पल है बीटी कॉटन। ठीक है, तो सेकंड इसका एप्लीकेशन अपन ये बता सकते हैं, एक जैसे विटामिन ए रिच जो गोल्डन राइस है, गोल्डन राइस, ऐसे सुनहरे चावल का निर्माण भी इस तकनीक के द्वारा किया गया है जिसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है, और विटामिन ए युक्त इन गोल्डन राइस में ट्रांसजेनिक प्लांट या ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ही यूज की गई है, इसलिए गोल्डन राइस भी एक ट्रांसजेनिक प्लांट का ही एग्जाम्पल है जिसके अंदर विटामिन ए बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे आपने नाम सुना होगा फ्लेवर सेवर टोमेटो, फ्लेवर सेवर टोमेटो, फ्लेवर सेवर टोमेटो भी एक ट्रांसजेनिक प्लांट है। नॉर्मली क्या होता है, टोमेटो की जो फ्रूट है, टमाटर की जो फल है, वो जब लंबी दूरी तक उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वो खराब हो सकते हैं, तो ऐसे टोमेटो का प्रोडक्शन किया जाए जिनमें जो टमाटर का जो फल है उसकी जो फल भित्ति है वो काफ़ी लंबे टाइम तक हार्ड बनी रहे, ऐसे फ्लेवर सेवर टोमेटो का प्रोडक्शन भी किया गया है। ठीक है, तो फ्लेवर सेवर टोमेटो। इसके अलावा कुछ साल्ट रेजिस्टेंट प्लांट, साल्ट रेजिस्टेंट प्लांट, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स जो कि लवण की ज्यादा सांद्रता के प्रति प्रतिरोधकता या रेजिस्टेंस शो करते हैं, ऐसे प्लांट्स का निर्माण भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा कर सकते हैं, तो ये भी ट्रांसजेनिक प्लांट का ही एक एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है। ठीक है, इसके अलावा शुगर प्रोडक्शन, चीनी उत्पादन के अंदर, ठीक है, गन्ने की बहुत सारी ऐसी वैरायटी बनाई गई है जिनमें शुगर या चीनी ज्यादा पाई जाती है, ज्यादा चीनी या शुगर का प्रोडक्शन होगा। इसके अलावा डाइकोडिस्पोरियम जैसे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स जिनमें नॉर्मल शुगर की कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा गुना उनके अंदर मिठास होती है, ऐसे प्लांट्स के जीन को आप किसी प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र करके ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा लेवल पर शुगर का प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा पोल्यूशन कंट्रोल के अंदर भी, पोल्यूशन कंट्रोल, नॉर्मली जो वाटर पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने में ट्रांसजेनिक प्लांट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे एक ऐसा सूक्ष्म जीव सुपरबग का निर्माण किया गया है ट्रांसजेनिक प्लांट मैकेनिज्म के द्वारा ही, और ये सुपरबग जो है वो वाटर के अंदर प्रेजेंट ऑयल ड्रॉपलेट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, तो इस प्रकार से पोल्यूशन कंट्रोल के अंदर भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, इसके अलावा इंसुलिन वगैरह के प्रोडक्शन के अंदर, इंसुलिन के प्रोडक्शन के अंदर भी इसका यूज होता है, जो ह्यूमन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, ह्यूमन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, उसके प्रोडक्शन में भी इसका यूज होता है, या फिर ऐसे प्लांट्स या ऐसे सीड का निर्माण करने वाले प्लांट्स,
ऐसे बीज देने वाले पादपों का निर्माण भी आप कर सकते हैं जिनमें प्रोटीन काफी ज्यादा मात्रा में है, जिनके अंदर प्रोटीन काफी ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। ऐसे सीड प्लांट्स या ऐसे बीजीय पादपों का निर्माण भी आप इस मेथड के द्वारा कर सकते हैं या उनमें भी ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है ट्रांसजेनिक प्लांट्स की एप्लीकेशंस या अनुप्रयोग। ठीक है, ये सारे के सारे अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस अपन बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी के अंदर भी लिख सकते हैं। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से यूनिट 4 से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अपन ने डिस्कशन किया है, सीडीएनए लाइब्रेरी या सीडीएनए टेक्नोलॉजी, दूसरा पीसीआर और इसके एप्लीकेशन, और तीसरा जो अपन ने डिस्कस किया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और उसके एप्लीकेशन, जिसमें प्रोसीजर भी आ जाएगा और उसके अनुप्रयोग भी आ जाएंगे, और लास्ट है ट्रांसजेनिक प्लांट और इसके एप्लीकेशन। ठीक है जी, तो इसी के साथ अपना ये जो बीएससी सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर है मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, उसके चारों यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने कंप्लीट होते हैं। ठीक है, आज के लिए अपन इतना ही देखेंगे, इतना ही पढ़ेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर्स जो है वो पसंद आ रहे होंगे। ठीक है, बाकी डिटेल में यदि ये सारे पेपर्स या सारे टॉपिक्स आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आई स्टडी ऑनलाइन का जो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और उस ऐप का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। वहाँ से ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद में अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से, अपनी क्लास के हिसाब से कोर्स परचेज कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स के अलग अलग कोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल है, उस हिसाब से आप कोर्स को परचेज करके इन सारे पेपर्स को, इन सारे टॉपिक्स को आप वहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।